दोस्तों यूरोप एक एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है जो कि आगे चल के ब्लैकआउट्स, फैक्ट्री शटडाउन और डीप रिसेशन में बदल सकता है। और इसका मेन कारण है कि रशिया ने सैंक्शंस के अपोज में अपनी चीप नेचुरल गैस सप्लाई, जिस पे यूरोप हैवली डिपेंडेंट था, उसको रोक दिया है। और ये क्राइसिस तब एक डिजास्टर बन गई जब रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी ने कहा कि जर्मनी में गैस ले जाने वाली मेन पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 बंद रहेगी, जिसका मतलब है कि रशिया की यूरोप को दी जाने वाली गैस शिपमेंट्स में 89% की कमी आएगी। आपको बता दें कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन बाल्टिक सी में बिछाई गई एक अंडरसी पाइपलाइन है जो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग कोस्ट से नॉर्थ ईस्ट जर्मनी तक 1200 किलोमीटर में फैली हुई है। ये पर डे 170 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस रशिया से जर्मनी ले जाने में सक्षम है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सैंक्शन के दौर में इंडिया के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए सबसे रिलायबल पार्टनर कौन है।